देखो बेटा देखो, 12 × 12 × 12 अपने जानते हैं 12 किसकी है, कितनी होती है, 12 का 12 से गुणा करेंगे तो इसको 44 से फिर से कर दो क्या अपन 12 से करो कितना आएगा, 12 छूटे 12 एक बार छूटा 36 बार छूटे 48 मंत्र 4 में 12 का 4 से 12 छूटे 48 48 और 4 52 आंसर कितनी 5 12 एक 12 और 5 17 कितना आ गया आपका 1728 सही है आपका क्या है 12 की क्यूबी हुई है इसी वजह आप 13 की क्यूब निकाल के देख लोगे 14 की क्यूब निकाल के देख लोगे और 15 की क्यूब निकाल के देख लोगे ठीक है। 15 का आप क्यूब याद कर लेना, रिवर्स में याद कर लेना, 13 से 31 किसकी होती है, 11 की होती है, 1728 किसकी होती है, 12 की, 21 और 27 किसकी होती है, 13 की। इसी प्रकार रिवर्स में याद कर लेना, इसको निकालेंगे कैसे से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका 46,666
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 256 कितने 256 बनाओ इसे कैसे बनाओगे से क्या करेंगे सबसे पहले अपने अभाज्य गुणनखंड करेंगे कैसे करेंगे सबसे पहले 2 से 2 एक तो 2 2 2 4 2 8 16 उसके बाद किससे करेंगे ये कितना है आपका 8 है 8 है यानी सम संख्या 2 से डिवाइड जाएगी 2 6 12 2 2 8 फिर 2 से जाएगा 2 3 6 2 2 4 फिर 2 से जाएगा कितना 16 फिर 2 8 16 2 4 8 2 2 4 और 2 1 2 सिंपल सी बात है मैं पूछ रही है कि गुणा करने की संख्या भी गुणा करने की इसको पूरी पूरी घन तो नहीं देगा घन को नहीं देगा अपने को बच नहीं लगेगा मैं रह गया देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 256 के गुणनखंड कितने हो गए ये बताओ पहले तो 256 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे आपके कितनी बार 8 है 8 सॉरी कितनी बार 2 है 8 बार 2 × 2 × 2 फिर 2 × 2 × 2 फिर 2 × 2 करेंगे एक तो ये बन
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 675। करो इसका कैसे करोगे? सेम 675 के बटो टुकड़े कितना है? 7 और 5 12, 12 और 6 18, यानी कहने का मतलब किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 और 2 7, 7 और 2 9, फिर 3 से जाएगा, 3 सत 21, 3 पंजे 15, आप करके देखिए ना, बात कोई दिक्कत नहीं है। फिर किससे जाएगा? 5 और 7 12, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब किससे जाएगा? 5 और 2 7 हो गया, 3 से नहीं जाएगा, डायरेक्ट किससे जाएगा? 5 से 5, 5 5 25, 3 से जाएगा 5 से। करोगे 675 गया वाले होती है 33, 75 होती है, ठीक है? अपने नेक्स्ट क्वेश्चन